Hello friends, good morning and welcome back to our channel for the second day and we are at Tulin now. जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग जो कल रात को आपको बताए थे कि हम लोग तुलिन लॉज पे ठहरे हैं एट वेस्ट बंगाल साइड. अभी हम लोग फिर से सुबह वापस जा रहे हैं साइड पे हिंदालको मुरी साइड जहाँ पे हम लोग आए थे जस्ट टू गिव अ सर्वे रिपोर्ट आफ्टर डूइंग अ सर्वे कि कैसे उनका साइलो 55 मीटर हाइट उस पर पेंटिंग होगा. तो जिसको ऑर्डर मिला है वो बंदा कल नहीं पहुंचा था. जिसने कल का पार्ट नहीं देखे हो वो आज आई सेक्शन में लिंक है जाके देख सकते हो. तो आज वो आ चुका है. तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे. ये मेरा गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट पे लिए छोड़ दिए है बिकॉज यहाँ पे पुरुलिया साइड पे बहुत ठंडा हो गया था रात को जो कि कलकत्ता में अभी नहीं है. डीजल गाड़ी है, इट इज़ बेटर कि आप उसको वार्म अप कर लो, थोड़ा हीट मीटर बढ़ जाए, उसके बाद आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगा. तो दिस इज़ दी होटल जो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है. नियर अबाउट 40-50 रूम्स आर देयर एंड यहाँ पे मंदिर भी है एंड दिस इज़ दी ऑफिस एंड दिस इज़ द गेट. तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे आकर रह सकते हो. इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड, डॉर्मिटरी सब कुछ अवेलेबल है. एट द सेम टाइम यहाँ पे वेडिंग पर्पस में बैंक्वेट हॉल भी दिया जाता है, बहुत सारा बैंक्वेट्स भी है. तो चलिए गाइस आज का दिन शुरू करते हैं. होपफुली आज मीटिंग बढ़िया रहेगा. आज हम लोग प्लांट जाके सेफ्टी वाले से भी मिलेंगे, सेफ्टी ऑफिसर जो भी आएंगे उससे मिलेंगे, इंजीनियरिंग टीम से मिलेंगे एंड आफ्टर दैट गोइंग बैक टू आवर ऑफिस कोलकाता. हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे. आफ्टर दैट उनका जो वेंडर जिसको वो ऑर्डर दिया है फॉर डूइंग द पेंटिंग दे विल फॉलो द SOP एंड प्लान ऑफ वर्क, प्लान ऑफ एक्शन PO हम लोग सब कुछ बना के दे देंगे, वो लोग फॉलो करेगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन. गाइस हमारा मीटिंग कंप्लीट हो गया आज एंड आज हम लोगों का प्लानिंग था एकदम मॉर्निंग में उठ के निकल जाएंगे बट वो पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द मीटिंग. वो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया. तो अगेन हम लोग अभी इट्स नाउ 1:45, 2 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली वी विल बी आउट. गाड़ी में चढ़ गया, गाड़ी स्टार्ट भी हो गया है. तो बात यही हुआ कि हम लोग जो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे एंड आफ्टर सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्लाइंट अप्रूव करेंगे एंड अप्रूवल के बाद जो जो सामान एक्स्ट्रा लगेगा वो ऑर्डर होगा. वो ऑर्डर होने के बाद अगेन मे बी मी एंड माई टीम विल कम अप एंड आके इन लोगों को एक बार ट्रेनिंग इशू कर देंगे कि कैसे करना है एंड आफ्टर दैट इन लोगों का काम स्टार्ट होगा. साइलो का पेंटिंग का जॉब जो है वो काम स्टार्ट होगा. मैं इसको तो यही है एंड अभी स्टार्ट करेंगे तो 7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली लगेगा. तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं. हम लोग झारखंड साइड से ही आए थे तो उसी साइड से जाएंगे, बंगाल की तरफ से नहीं जाएंगे, पुरुलिया साइड से नहीं जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी. बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड जब हम लोग आए थे एक इंसिडेंट याद आया. उस टाइम ये झारखंड होते हुए जब हम एंट्री किए रांची पुरुलिया रोड पे तो वहाँ पे अचानक से पुरुलिया दिखा. तो प्रतीक सो रहा था तो अचानक से उठ के बोल रहा है ये हम लोग कहाँ आ गए भाई, पुरुलिया कहाँ से दिख गया, हम तो झारखंड में हैं. अच्छा अच्छा ठीक है. तो हम लोगों के लिए भी नया था कि एकदम बॉर्डर पे ही है ये तुलिन और झारखंड का इस साइड पे आ गया आपका सिल्ली, मुरी सिल्ली और उस साइड तुलिन, ये दोनों एकदम जस्ट बॉर्डर के बीच में ही है. एंड गूगल मैप पे मैंने ये देखा था कि ये एक जो नदी पास कर रहा है वही मेनली वो बॉर्डर है, नदी के इस साइड बंगाल उस साइड झारखंड. मगर वो सामने से आज दिखा, कल भी देखा था आज भी देखे एंड वो तो कैप्चर्ड भी, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा. बाकी काम का तो चलो होता रहता है मगर ऐसा ट्रिप में थोड़ा सा मस्ती अगर नहीं हुआ तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है. दैट्स व्हाई वी थ्री ऑफ अस इज एंजॉयिंग. प्रतीक तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसे सर्वे पे आया है जो टेक्निकल सर्वे है इंक्लूडिंग ड्रोन. उससे पहले हम लोग आउट स्टेशन मेरे साथ तो कम किया है. ट्रिप के बारे में बताओ कैसे हम लोग घूमे खाए. बहुत घूमे हैं, बहुत मस्ती की है. ठीक है, खाना तो बहुत ज़्यादा हो गया कल रात का तो बोलिए मत, बहुत ज़्यादा हो गया मैं तो खा ही नहीं पा रहा था. प्रतीक को बोल रहा था एक अंडा तो लो, वो भी नहीं लिया, मुझे तो जोर ज़बरदस्ती खाना पड़ा.
भयंकर रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है, बहुत सामने पूरा एकदम पूरा पहाड़ बना हुआ है, दाहिने तरफ मेरा बाईने तरफ तक है रास्ता, मस्त है, बहुत बढ़िया रास्ता है। चलिए अभी हम लोगों का टारगेट जो है कि थोड़ा जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि ये नहीं है कि मतलब पहुंचना ही है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि जब भी यू आर आउट फॉर अ ड्राइव, वो भी आप व्लॉगिंग कर रहे हो या फिर टेक्निकल डिस्कशन करते करते जा रहे हो, तो उतना प्रेशर मत लो कि इतना टाइम में ही पहुंचना है, मगर फिर भी जितना जल्दी हो सके घर जाएंगे, क्योंकि सैटरडे का दिन है, कल संडे है, मंडे से फिर से वर्क पे लगना है। बट जो मेरे को पता चला कि हम लोगों को ये ट्रिप दोबारा हो जाएगा, आना पड़ेगा, तो फिर से आएंगे तो फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। एंड बेसिकली क्लाइंट इज ऑल्सो वेरी हैप्पी हम लोगों से बात करके, हम जो सोल्यूशन प्रोवाइड करने का प्लानिंग उनको शेयर किया, उनको अच्छा लगा है। अभी बेस्ड ऑन आवर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल सर्वे रिपोर्ट, वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उस हिसाब से जॉइंटली वी विल मेक अ प्लान ऑफ एक्शन। जो प्लान ऑफ एक्शन वो वेंडर फॉलो करेगा एंड उस हिसाब से वो पेंटिंग का जॉब करेगा। तो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, किसी का जान बहुत कीमती होता है, एंड वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। मैं अगेन बोलता हूँ, एक बार पहाड़ दिखा के फिर वी विल कम बैक आफ्टर सम टाइम। देखा आप लोगों ने, ऐसा ही सेफ्टी है इन लोगों का, कितना लॉन्ग व्हीकल है मगर ऐसे ये लोग चलाता है, वर्थलेस है। NL01AA8561 टाइम ले रहा है। अभी हम लोग 680 किलोमीटर हो गया, मतलब हमारा 230 किलोमीटर हम लोग आ चुका है, और कुछ ही टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे खड़गपुर, फिर कोलाघाट, फिर ऐसे ही हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। रात के टाइम में थोड़ा स्लो मूवमेंट हो जाता है, बिकॉज ट्रक वाले लोग बहुत अपने हिसाब से गाड़ी चलाता है, और डीजल भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो डीजल भी ले लेंगे उस टाइम पर। सो गाइस, हम लोग अभी उलूबेरिया पहुंचने वाले हैं, मतलब बंगाल घुस के कोलाघाट भी क्रॉस हो गया, उलूबेरिया का जस्ट लाइक
6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम उलुबेरिया एंड अमाया रिसोर्ट। 6 किलोमीटर में जो अमाया रिसोर्ट है वो है बिरसीपुर में, मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है हम लोग अभी। तो कोशिश किए थे कि थोड़ा डिसेंट टाइम में पहुंच जाए ताकि सब लोग घर पे भी आराम से पहुंच जाए, रात का 12-1 बजे। तो अगर सिटी का अंदर का ट्रैफिक नहीं हुआ तो हम लोग बाई 9:30-10 पहुँच जाएंगे, बाकी देखते हैं। रोड ट्रिप वॉज रियली नाइस। रास्ता का तो कुछ प्रॉब्लम्स जो बताना चाहते हैं कि झारखंड में रोड बहुत बढ़िया था मगर बंगाल का रोड दिक्कतदार है, पॉटहोल्स एंड एंडुलेशंस बहुत है। एंड रोड पे विजिबिलिटी गाड़ी के लाइट के थ्रू तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो आपको कैमरे पे दिख रहा होगा जितना इट कैन कैप्चर। एंड बाकी तो ये ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है तो लेफ्ट लेग का भी क्लच का यूज़ बहुत हो रहा है, उससे पहले तो पूरा आराम से चला रहे थे बिंदास। तो हम लोग अभी धुलाघाट टोल गेट के पास पहुंच गए हैं। बड़ा टोल गेट में से यही हमारा लास्ट टोल होगा एंड इसके बाद विद्यासागर सेतु का है 10 रुपीज़, जो कि हम लोग आते वक्त दूसरे साइड से आए थे तो 65 रुपीज़ लगा था। तो अभी कोशिश जारी है वही है कि सातरागाछी में ट्रैफिक ना हो ताकि हम लोग जल्द से जल्द घुस जाए कोलकाता। मगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैंने ठीक ही गाड़ी चलाया है, मेरा कोशिश वही था कि सही टाइम पे कोलकाता आ जाओ, एटलीस्ट खुद का एरिया पे आ जाओ। तो वी आर नाउ इन आवर नॉर्मल एरिया, यहाँ पे हम लोग आते जाते रहते हैं तो उतना और टेंशन नहीं है। एंड ये जो 8:30 बज रहा है अभी, तो अभी कोशिश करेंगे कि बाई 9:00 अगर हम लोग सातरागाछी क्रॉस कर जाए 9:00 तो बाई 9:30 वी कैन रीच, बिकॉज अगर सातरागाछी का ट्रैफिक ख़त्म है तब उसके बाद और कोई ट्रैफिक वैसे है नहीं। एंड सैटरडे नाइट है, उतना प्रेशर नहीं होगा, बाकी जो होगा वो संडे कल हो सकता है। तो चलिए हम लोग फास्ट लेन ले लिए हैं, बाकी वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, यहाँ से निकलते हैं फटाफट। फास्टैग का जो रूल था वो लगभग मेरे को लगा झारखंड का 2 टोल गेट पे सही था कि हम लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कर पाया करना हुआ, ऑटोमेटिकली वो कट गया। यानी एक तो आपका टोटली ऑटोमेटेड था, कोई ह्यूमन बीइंग भी नहीं था, वो भी मेरे को बढ़िया लगा। मगर यहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग भी है, RFID ट्रैकिंग भी है, फिर भी इतना डिले होता है, बहुत दिक्कत है। फिर भी आज फास्ट हो रहा है। खोल खोल जल्दी खोल, खुल गया। यस गाइस फास्ट हो गया है। तो चलिए फाइनली हम लोग चलते हैं, देखते हैं कितना बजे तक क्रॉस कर पाते हैं। अभी टारगेट लिए है 9:32 हो गया है धूलागढ़ से सातरागाछी, डिस्टेंस उतना नहीं है मगर ये जो आप लोग ट्रैफिक देख पा रहे हो सामने, मेरे हिसाब से ना हेडलाइट थोड़ा ब्लरी कर दे रहा है, हेडलाइट बंद कर दिया। कुछ ही डिस्टेंस पे हम लोगों को लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न लेके सातरागाछी के साइड जाना पड़ेगा एंड स्ट्रेट अगर चले जाएंगे तो वो आपका खड़गपुर साइड चला जाएगा, फिर से घूम घाम के दिल्ली रोड। देखिए सामने आ रहा है बोर्ड, धूलागढ़, आलमपुर, अंदुल एंड एयरपोर्ट। यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आप यहाँ से भी एक कोलकाता एंट्री है अगर ये ले लोगे तो बाली ब्रिज चला जाएगा, निवेदिता फ्लाईओवर, बाली ब्रिज उस साइड पे, मगर हम लोगों को स्ट्रेट लेना है।
फाइनली वी आर एंटरिंग टू सातरागाछी रोड एंड जो टारगेट लिया था 9 बजे तक तो इट्स नाउट 8:50 8:50 हुआ है. देखते हैं 9 बजे तक अगर 10 मिनट में क्रॉस कर गए बहुत बड़ा बात है. अभी तो सातरागाछी में 3 लेन हो गया है, अंडर पास भी हो गया है तो उतना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी देखते हैं. होंडा सिटी हट गया है मगर फिर से मेरे लेन में आ रहा है. हटो हटो जाने दो. तो स्मॉल व्हीकल का सेपरेट रोड भी हो गया है यहाँ पे. ऊपर थोड़ा हिल जा रहा है बार बार, माउंट थोड़ा ढीला हो गया है. ट्रैफिक नहीं दिख रहा है मेरे को, बाकी देखना पड़ेगा आगे जाके क्या है. नहीं है यहाँ पे तो मेरे को उतना नहीं दिख रहा है. यहाँ पे देखिए 3 लेन किया हुआ है, इसमें से ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का लेन है जहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ पे आपका बाइक एंड स्मॉल व्हीकल के लिए, बाकी जो 2-3 लेन है और है उसको ये लोग रख दिया है फॉर हेवी व्हीकल्स. मगर इसमें भी देखिए ये जो छोटा छोटा गाड़ी है जो स्पीड में नहीं चलेगा मगर फिर भी रास्ता को बर्बाद करेगा, जैसे ये बुलेट चल रहा है स्लो मगर सेंटर ऑफ द रोड से ऐसा ही हालत होता है. देखिए मैं बताया था ना कि अभी ट्रैफिक, पहले तो पूरा लाइन ट्रैफिक हो जाता था मगर अभी ये अंडरपास होने की वजह से ये बॉटल नेक जो होता था वो हट गया है. देखिए अभी हर लाइट हर सिग्नल को ग्रीन किया हुआ है, मतलब सामने ट्रैफिक नहीं होना चाहिए. चलिए ऑल्टो को हटाते हैं, बहुत टाइम से मेरे को दिक्कत दे रहा था. हाँ अभी तक तो खाली है एंड 8:53 अभी भी हाथ में 7 मिनट्स है. और बाइक वाले भैया ये चीज़ें बहुत रिस्की है, जहाँ तहाँ जो सिग्नल मार दिया और निकल दिया तो अपना ही रोड समझ लेते ये लोग. फिर छोड़िए, ये रहा नया रोड अंडर पास, यहाँ से उठ के ही आपका सातरागाछी स्टेशन. देखना ये है कि यहाँ पे हम लोगों का वेटिंग कितना होता है, मगर फिर भी ये जगह का जाम निकल गया तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर सामने ज़्यादा प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिक उसका रिफ्लेक्शन पीछे तो आएगा. तभी कर रहा है जब से बंगाल घुसे देख रहे हैं मेरे को, बस चाप रहा है, ट्रक चाप रहा है, सब कोई मतलब हर किसी को ऑटो भी चाप दिया आज, बताओ ऑटो बिल बुलेट भी चाप दिया, हर किसी को गुस्सा है भाई. हम लोगों को झारखंड में ही रहना चाहिए था. एम्बुलेंस को साइड देना पड़ेगा, मैं इंडिकेटर चला देता हूँ, जाओ भाई. मैंने पास दे दिया और निकल भी गया. बीपी मेरा टारगेट खत्म नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टारगेट लेना चाहिए. वैसे तो मैं जब हाई रोड में रहता हूँ वैसे नहीं लेता हूँ, और ये तो आ गया हूँ मतलब इट्स नियर टू कोलकाता ओनली, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये लेता हूँ. सातरागाछी दिन भी इतना फाका नहीं रहता है. नहीं अभी तक सातरागाछी स्टेशन वाला रोड अभी थोड़ा रोड में जाम रहता था. हाँ यहाँ पे भी बहुत जाम रहता था पहले, मगर वो चीज़ बहुत बढ़िया हो गया है. ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, टुमारो इज संडे, संडे रात को भीड़ होता है क्योंकि जो लोग ट्रिप विप में जाता है संडे को लौटता है, मंडे से ऑफिस है तो इसलिए प्रेशर रहता है. सैटरडे इवनिंग उतना नहीं रहता है, फिर भी अगर नहीं है तो हम लोगों के लिए अच्छा है. अभी भी मेरे हाथ में 5 मिनट है, इफ आई कैन क्रॉस इट वेल एंड फाइन. सिग्नल तो ग्रीन दिख रहा है मेरे को दूर से, ये सामने जो सब गाड़ी है वो सब निकल जाए सटासट तो हम भी सिग्नल पार कर जाए, सातरागाछी क्रॉस हो जाएगा.
यस डन डन डन, हम लोग जो टारगेट लिया था 5 मिनट पहले कर दिया। बढ़िया है। अब आई कैन एश्योर कि भाई 9:30 बजे तक आई विल बी इन ढाकुरिया। एम्बुलेंस बाबा जिंदाबाद। 11 बजे से बजे हम सब लोग घर पहुंच जाएंगे। होना चाहिए शहर की हर कोई 3 बंदा तोरित भाई तो बाड़े पूछ जाएगा, उसको तो ट्रेन मिल गया तो बस हो गया। बाकी हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटा हम लोग लंच के लिए रुके थे, अगर वो माइनस कर दिया जाए तो वी हैव कंप्लीटेड द डेस्टिनेशन बाय 7 आवर्स। 7 घंटे में कर दिए, क्योंकि इस बार आते वक्त हम लोग ब्रेक कम लिए हैं, जाते वक्त तो बहुत बार रुके थे चाय पीने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, फिर लंच के लिए। इस बार हम लोग तो जस्ट लंच ही किए हैं और एक बार डीजल लेने के लिए रुके थे, बस इतना ही, बाकी पूरा एकदम रनिंग। देखिए गाइस ट्रंक रोड भी खाली है तो सेकंड ब्रिज फटाक से पहुंच जाएंगे। ये सब स्कूटी वूटी कहाँ से आ जाता है। आज के डेट का हमारा रोड ट्रिप का लास्ट टोल गेट विद्यासागर सेतु का 10 रुपये वाला टोल गेट लास्ट आज के लिए खत्म होगा। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जब काम होगा तो एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, जब हम ट्रैवल करने गए थे, शुरू किए थे इस बार ट्रिप, तो फर्स्ट हम लोगों का 65 रुपीज़, देन 130 रुपीज़, देन 85 रुपीज़, देन 65, देन 105 एंड लास्ट में 25, इतना सारा टोल कटा था। एंड सिमिलरली रिवर्स के टाइम भी सेम, तो इतना होगा। एंड सेकेंडली हम लोग जो डीजल का कंजम्पशन पूछेंगे तो 42,500 का हम लोग पकड़े थे और 1,000 रुपये का अभी, मतलब 5,250 रुपये का डीजल भरे हैं। एंड आने के बाद भी कुछ बच जाएगा वो बात अलग है। एंड थर्ड इज एसी हम लोग यूज़ किए हैं माइल्ड करके, जितना भी बाहर ठंडा हो गर्मी हो जो भी हो, हम लोग एसी हल्का करके चला के रखे थे, इसमें कंफर्टेबल होता है, तो वो भी चालू था। एंड जो प्रोजेक्टेड किलोमीटर गूगल मैप के थ्रू हम लोग स्टार्ट किए करने के टाइम देखे थे, दैट इज़ 370 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता हमारा ऑफिस का एड्रेस से साइट का एड्रेस, मगर वो जब हम लोग थोड़ा आगे पीछे हुआ, अप डाउन हुआ, लोकल कुछ घूमना घामना हो गया, सब मिला के अभी एट प्रेजेंट हम लोगों का जो किलोमीटर शो कर रहा है दैट इज 825, मतलब 400 के ऊपर ही लगा है। जो 370 शो कर रहा था वन ट्रिप वो थोड़ा ज़्यादा है, मगर ऑफिस जाते जाते मेरे को लग रहा है ये 850 तक जाएगा और 25 किलोमीटर हो जाएगा, तो दैट मीन्स 850 किलोमीटर हो जाएगा आप लोगों का। एंड रोड का बताएंगे तो रोड पूरा बढ़िया रोड है, कोलकाता एंट्रेंस एंड एग्जिट पे थोड़ा सा दिक्कत है, एंड मुड़ी पहुंचने के पहले का कुछ टाइम वो हाईवे से जब आप बाई लेन लोगे तब ख़राब है, बाकी द रोड्स आर परफेक्टली फाइन। पता नहीं ब्रिज के ऊपर आज लाइट नहीं जल रहा है, कुछ हुआ होगा, मेंटेनेंस का काम तो ऑलरेडी ऐसे ही चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा कि हम लोग बाई मंडे कंफर्म किए हैं वेंडर को, मतलब वो भी हमारा क्लाइंट ही हुआ सेकंड क्लाइंट को, कि हम लोग सबमिट करेंगे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो वो तैयार करके सबमिट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट अप्रूवल विल कम फ्रॉम क्लाइंट साइड कि हाँ वी आर कन्विंस्ड विथ योर साइट सर्वे इंस्पेक्शन रिपोर्ट, एंड उसके बेसिस पे हम लोग शुरू करेंगे काम, दे विल प्लेस ऑर्डर टू अस। अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम लोग करेंगे, किसी और के पास जाता है तो वो लोग करेगा, बट सर्वे इज डन। चलिए गाइस फाइनली पहुंच के आप लोगों को बताते हैं कि कितना टाइम लगा एंड फाइनली कितना किलोमीटर पे ट्रिप एंड हुआ।